हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है उन भाइयों के लिए जो कि एक ब्लॉगर्स पे अपनी साइट बना रहे हैं या वर्डप्रेस पे अपनी साइट बना रहे हैं और उनके लिए एक यूनिक नीश फाइंड करना मुश्किल हो रहा है। सो आज का ये वीडियो उन भाइयों के लिए लेके आया हूँ मैं। तो आपको नीश के जानने के लिए मैंने पिछले कल भी एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें यही कमेंट मिले और टेलीग्राम ग्रुप में मुझे यही कमेंट मिले कि नीश चाहिए हमें, बेस्ट नीश कौन सी है। तो हाँ, ये बात है कि किस मैंने पार्टिकुलर कंट्री तो नहीं, मैक्सिमम इंडिया की ही चीज़ देखी है, बट मैंने उन जो नीशेज हैं वो अदर कंट्रीज़ में भी चेक करी हैं और उनका सर्च वॉल्यूम किसी कंट्रीज़ में ज़्यादा है और एसईओ डिफ़िकल्टी 10 है 9 है मैक्सिमम। मैंने उन नीश को निकालने के लिए 6 से 7 आवर्स दिए हैं, तब जाके मुझे इतना कुछ मिला है। बट मैंने पार्टिकुलर इंडिया की ही सर्च वॉल्यूम और डिफ़िकल्टी पर कॉस्ट पर क्लिक लिए हैं। सो उन 4-5 नीश के ऊपर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ आप कैसे उस पर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। मुझे पता है दोस्तों, कुछ लोग अभी ये कहेंगे कि इन वेबसाइट इनका DAPA और सॉरी इनका ग्लोबल रैंक्स। दोस्तों मैंने HREF टूल से तो नहीं, बट अलग से एक टूल है उनसे HREF की तरह ही काम करता है वो, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं और काफ़ी कुछ मदद मिल सकती है। जिस तरह से HREF टूल में को भी मैंने कंपेयर किया था उसके साथ, तो मुझे ऑलमोस्ट 50-50 दोनों ही सही लगे। जितना ट्रैफिक उस पर आया उतना ही ट्रैफिक उससे निकाला हुआ कीवर्ड से पे आया उतना ही, कि दोनों पे सेम रहा दोस्तों। 6,000 पर डे का एक ही कीवर्ड्स पे दोनों पे रहा है, बट मैंने वो हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखा तो दोनों पे सेम ही कन्वर्जन आया मुझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कौन सी नीशेज है। जस्ट हमने उसकी स्क्रीनशॉट ले रखी थी, स्क्रीनशॉट आपको दिखाने वाला हूँ मैं। आप ये देख रहे होंगे सिंगिंग सर्च वॉल्यूम इसका, ये मैं सिर्फ इंडिया का ही लिया है दोस्तों। आप जस्ट इसको देख सकते हैं सिंगिंग का सर्च वॉल्यूम कितना है, एसईओ डिफ़िकल्टी पे डिफ़िकल्टी कितना है, ग्लोबल इसका ग्राफ है बिल्कुल सीधा जा रहा है अभी तक, कॉस्ट पर क्लिक 0.23। और आप इस पर भी काम कर सकते हो, .com नहीं तो .in भी अगर आपको मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी आप काम चला सकते हो .in से भी, या कोई भी और टॉप लेवल आज के 75 पे भी .xyz .live .co.in ये चीप प्राइस में मिल जाते हैं, तो आप इनसे अपनी साइट बना सकते हैं। और सेकंड आ गया सेविंग्स, इस पर सर्च वॉल्यूम 1,00,000 मंथली है, एसईओ डिफ़िकल्टी पे डिफ़िकल्टी कॉस्ट पर क्लिक देख सकते हैं आप। ग्लोबल रैंक इसका जो मैंने यूनाइटेड स्टेट चेक किया था तो उसमें डिफ़िकल्टी 19 थी, चाहे आप भी सर्च कर सकते हैं आपको लग जाएगा पता, आप सर्च करके देख सकते हैं चीज़ को, उस समय 19 थी जब मैंने इसको पिछले कल शाम को चेक किया था। तो डिफ़िकल्टी हर कंट्री वाइज तो मैंने चेक की थी तो कम थी, किस में ग्राफ बिल्कुल सीधा जा रहा है किस पे अलग जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम सॉरी ऑस्ट्रेलिया कनाडा जैसे कंट्रीज में ये ग्राफ बिल्कुल सीधा जा रहा जो अभी ऊपर नीचे देख रहे हो। सो उससे बाद जो नीश आती हैं एक ग्रोही, आप इसको देख सकते हैं डिस्प्ले पे नाम एंकोरी 74,000 सर्च वॉल्यूम में 77 एसईओ डिफ़िकल्टी हैं, यहाँ थोड़ा सा टफ है लेकिन अदर कंट्री में ये बिल्कुल कम था और जो कॉस्ट पर क्लिक था ये थोड़ा सा $1.50 था वहाँ पे, तो आप इस पर काम कर सकते हैं। और प्रिंटिंग सर्च, इस पर हमने कुछ समय पहले भी वीडियो बनाई थी और आज फिर से किस पे वीडियो आ रही है प्रिंटिंग, तब उस समय डिफ़िकल्टी इंडिया में भी इसकी 23 थी और आज 91 हो चुकी है। उस वीडियो से कम हम वीडियो देख के हमारी लोगों ने 400 से 500 लोगों ने कम से कम इस पर वेबसाइट ज़रूर बनाई होगी, क्योंकि इतने मैक्सिमम 500 से ऊपर अब आप कमेंट थे हमारे दूसरे चैनल पर। तो इस पर भी बना सकते हो, अभी अदर कंट्री में इसका कम है वॉल्यूम अभी, क्योंकि मैंने वर्ल्ड वाइड जो भी नीच लेके आता हूँ वो वर्ल्ड वाइड लेके आता हूँ, पार्टिकुलर इंडिया की नीच नीच नहीं लेके आता।
मैं वर्ल्ड वाइड उनको चेक कर लेता हूँ कि हर एक कंट्री में इसका सर्च वॉल्यूम कितना रहता है, तब जाके मैं इसको आपके सामने दिखाता हूँ। ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, हाई हाई मैंने फ़ोटो से ले ली, क्योंकि आप लास्ट तक इस वीडियो पे, कोई बंदा है जो बीच में छोड़ के चला जाना, कोई फर्स्ट में एक पहली वीडियो देख के ही चला जाता, बट उनके लिए चीज़ मैंने अब जाके बीच में बताई है कि अदर कंट्री में SEO डिफ़िकल्टी तो नामात्र 0, 3, 5, 15, 20, 22, 45, 55 अलग अलग कंट्री वाइज हैं इसमें। अब कीवर्ड तो ऐसा है नहीं दोस्तों कि आप ही सर्च कर रहे हो, वर्ल्ड वाइज कहीं भी सर्च किया जा रहा है। उससे बाद आ रहा है वेल्डिंग, शादियाँ हर जगह होती हैं दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया में इसका ग्राफ सीधा जा रहा है। अभी मैंने बीच में आपसे बात की थी ग्राफ्स की, सीधा जा रहा है। तो किसी में ये सर्च वॉल्यूम यहाँ 50,000 भी हैं और SEO डिफ़िकल्टी 23 है, कॉस्ट पर क्लिक $2.50 भी हैं यहाँ, SEO डिफ़िकल्टी बहुत कम है उसकी, पेड डिफ़िकल्टी भी। तो आप इस कीवर्ड्स पे भी काम कर सकते हैं। और उससे बाद आता है ऐप डेवलपमेंट, 12,000 सर्च वॉल्यूम देख रहे हो आप, ग्राफ देख रहे हो उसका बिल्कुल सीधा और एकदम ऊपर होगा फिर सीधा। 44 SEO डिफ़िकल्टी 44 से इंडिया की है सर्च वॉल्यूम, पेड डिफ़िकल्टी कितनी, कॉस्ट पर क्लिक $23 दोस्तों, बूम देख सकते हो कितना है। इस कीवर्ड्स पे आपने वेबसाइट बना दी तो आपकी बल्ले बल्ले हैं, और अच्छे से काम किया तो इस पे बल्ले बल्ले आपकी ग्रांटेड सक्सेस है इस कीवर्ड पे आपकी। सो मैंने नीशिश के आपको लिए आपको आपको बता दिए दोस्तों, आपको इस पे काम करे या ना करे ये आपके ऊपर है दोस्तों, क्योंकि मेरा काम था आपको बताना और चैनल सब्सक्राइब करना है, आपका काम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियो भविष्य में और लेके आते रहें। 6 नीशेस बताइए आपको जिनमें आप सक्सेस गारंटेड पा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।